नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो? तो आप देख रहे हो मेरा चैनल, सॉरी मेरा चैनल नहीं, हम सबका चैनल, हमारा चैनल जिसका नाम है पोमटॉय अनुराग। और दोस्तों मेरा नाम है अनुराग आर्यन। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 9 चीज़ें जो आप अपने डॉग को गलती से खिला देते हो और उससे आपके डॉग की जान भी जा सकती है, ठीक है? तो दोस्तों यही चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे और मैंने इसका लिस्ट बनाया है आपके लिए, मैंने इतना मेहनत किया है और 9 चीज़ें मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग क्या एक लाइक नहीं दे सकते हो वीडियो को स्टार्टिंग में? प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला चीज़, आप अपने डॉग को वो चीज़ें मत दीजिएगा जिसमें कि चीनी हो और जैलिटॉल हो, ठीक है? अगर आप लोग ये चीज़ें अपने डॉग को दोगे तो इससे उसका लीवर फेल्योर हो सकता है और माइंड भी उसका डैमेज हो सकता है, मतलब माइंड काम करना बंद कर सकता है एज ए लॉन्ग टर्म दोगे तो ये चीज़ें रिकमेंड नहीं होती है डॉग को। प्लीज़ आप लोग मत दीजिएगा चीनी वाला चीज़। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अगला चीज़ है चॉकलेट कॉफ़ी या कॉफिन वाला चीज़। कोई भी चॉकलेट कॉफ़ी टी या फिर कॉफिन वाला चीज़ आप अपने डॉग को मत दीजिएगा। इससे वोमिटिंग, डायरिया, हार्ट का रिदम चेंज हो सकता है और आपका डॉग रिस्क पे आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने डॉग को चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट वाला चीज़ मत दीजिएगा, ठीक है? तो अगला चीज़ देखते हैं। अगला चीज़ है, और दोस्तों आप लोग ये हो सकता है कि ये चीज़ें भूल जाओ, तो प्लीज़ आप लोग कॉपी में नोट भी कर सकते हो और दीवार में चिपका लो जिससे आपको याद रहे। तो अगला चीज़ देखते हैं, अपने डॉग को ओनियन वाला चीज़ या फिर साल्टी या फिर स्पाइसी, वो चीज़ें जिसमें नमक हो, वो चीज़ें जिसमें मसाला हो, प्याज हो, तो वो चीज़ें आप अपने डॉग को नहीं देना है। इससे आपका डॉग अगर ज़्यादा भी कंज्यूम कर लेता है तो तब तो तुरंत रिस्क पर आ जाएगा। और इससे क्या होता है कि रेड ब्लड जो सेल होता है, कॉर्पसेल्स होता है, वो डैमेज हो जाता है, आपका डॉग कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है? और रिस्क पे आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ एक एक चीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं लोगों को कि वो कौन सा चीज़ है जो डॉग को नहीं देना चाहिए। कम से कम एक चीज़ ज़रूर कमेंट कर दो और आने वाला वीडियो में मैं ये आपका नाम के साथ ज़रूर वो कमेंट बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर एक एक चीज़ कमेंट करना। चलिए अगला चीज़ देखते हैं। आप अपने डॉग को रो या अनकुक्ड चिकन या फिर मीट आप अपने डॉग को नहीं देना। दोस्तों चिकन या मीट में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आपके डॉग को हार्म कर सकता है। वैसे बहुत सारे लोग रॉ चिकन देते हैं और उसके डॉग को कुछ होता भी नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी रिकमेंड नहीं है आप अपने डॉग को रॉ चिकन, रॉ एग या फिर रॉ मीट, कच्चा वाला चीज़ नहीं देना है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। आप अपने डॉग को ग्रैप्स या फिर रेंसेस नहीं देना है, ठीक है? प्लीज़ आप लोग ये चीज़ें मत देना। और नेक्स्ट चीज़ है साल्ट या फिर साल्टी स्नैक फूड, जस्ट लाइक साल्टी स्नैक बिस्किट्स आते हैं या फिर चूरा जो भुना हुआ होता है वो हो गया, या फिर साल्टी चीज़ें जो हो गई वो चीज़ें नहीं देना है, ठीक है? तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। सातवां चीज़ है नट्स, आप अपने डॉग को नट्स मत दीजिए। अगला चीज़ें हैं कि आप अपने डॉग को अल्कोहल मत दीजिएगा, ठीक है? अल्कोहल मत दीजिएगा, आप लोग समझ रहे हो, दारू शराब या फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अल्कोहल कंटेंट की होती है, तो प्लीज़ आप लोग अपने डॉग को अल्कोहल मत दीजिएगा। और लास्ट चीज़ कि आप अपने डॉग को मेडिसिन मत दीजिएगा वो जो आदमी वाला है, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं आदमी वाला जो आदमी को तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है, बट डॉग जब उसे कंज्यूम कर ले तो उसे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग आदमी वाला जो मेडिसिन है उसे हटा करके ही रखो डॉग से, ताकि वो कंज्यूम ना कर ले। तो यही था हमारा वीडियो और होप करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों अगर ये आपके लिए मददगार वीडियो रहा तो प्लीज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पर 500 लाइक आप लोगों के द्वारा मिल पाए। तो मैंने इतना मेहनत किया आप लोगों के लिए, तो क्या आप लोग 500 लाइक नहीं पुरा सकते हो? तो प्लीज़ 500 लाइक आप ज़रूर पुराना। और नेक्स्ट वीडियो हमारी दमदार आने वाली है जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आपके अपने डॉग को मिल्क देना है या फिर नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने डॉग को मिल्क दे रहे हैं 4 साल 5 साल 6 साल से और उसका डॉग बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। वहीं पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मिल्क मेरे डॉग को बहुत ही ज़्यादा खराबी किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियरिफाई कर दूंगा, खराबी करता है तो क्यों, फ़ायदा करता है तो क्यों, या फिर ज़रूरी है या फिर नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बता दूंगा
खैर तब तक के लिए अगर आपको पता होगा तो ये चीज़ें भी जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ ये भी कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों हम मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आए हो तो मैं डॉग से रिलेटेड हर तरह की जानकारी की वीडियो डालता रहता हूँ ताकि आप अपने डॉग से और भी ज़्यादा फैमिलियर हो पाए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल पाए उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कोई भी रुपया नहीं लगेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दोस्तों आप नीचे देखोगे इस साइड में तो आपको इस तरीके का एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा यहाँ पे, तो प्लीज़ आप लोग उसे क्लिक कर दीजिएगा। बाद में एक बेल का भी आइकन आएगा, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल पाए। और दोस्तों इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता, आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहना, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों हम मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।